वन, ये हेयर सीरम जो भी है प्रोडक्ट मेरे पास तो है एलोइस का, और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि हेयर सीरम, तो ये जो सीरम है हम लोग इसे क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ये तो थोड़ा सा माइंड में चलता भी है सबके लिए कि हम सीरम यूज क्यों करें। नॉर्मल सी बात है, ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है और इसे हमेशा यूज बेस में भी आता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी रहता है जो कि ये प्रोडक्ट है। 200 MRP में लमसम 150-200 में सभी प्रोडक्ट्स आते हैं, उससे ऊपर भी आएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो पैकिंग है वो 100 ml का है। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सीरम के फ़ायदे जो होते हैं वो हमारे बालों से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि बालों के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। आई मीन, जैसे कि हम देखते हैं कि लेडीज़ लोग या हो जेंट्स, सब ये सोचते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं और बाल में दो मुहे वगैरह हो जाते हैं, या फिर बाल बहुत टूट रहे हैं, जैसे कि बीच से भी टूटना होता है ना, कि बीच से फंस के टूट गया और जो भी बाल हैं बीच से डैमेज टाइप में दिखते हैं और काफ़ी ड्राइनेस बाल हो जाती हैं। तो उस समय आप ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या यूज करें, ऑयल भी नहीं यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपको बाहर जाना होता है, आप हेयर ओपन करना चाहते हैं और या किसी पार्टी फंक्शन में अटेंड करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप हेयर पे ऑयल नहीं यूज करना पसंद करेंगे। और उस टाइम आपको ये लगेगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करें जो हमारे हेयर को थोड़ा सा डैमेज प्रोटेक्ट करे और काफ़ी अच्छा साइन लगे। तो ये साथ में बहुत अच्छा वर्क भी करता है कि आप अगर अपने बालों में इसे यूज कर रहे हैं तो ये हमारे बालों को दो मुँह और जो भी हेयर फॉल हैं और डैमेज प्रोडक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं। इसे कंटिन्यू यूज करने से आपके बालों में असर भी आएगा और आपको थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना होगा, इसको लगाना बहुत ईजी, आप कम टाइम में इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। और बस ये है कि आप इसे परमानेंट यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे आप अपने बालों में मेहंदी वगैरह करते हो, लगाते हो, जैसे हेयर स्पा वगैरह भी करवा लेते हो या खुद से कर लेते हो, तो ये सब अलग चीज़ हो गई। आप इसके दौरान जैसे आप अपने बालों में हेयर सीरम यूज कर रहे हैं तो आप जब भी कॉम्ब करते हो तो ये आपके बालों में बहुत इजी तरीके से रहता है और फंसने का बिल्कुल चांस नहीं रहता, इस टाइप में हेयर सीरम का यूज होता है। और एक ये बात ज़रूर होती है कि जैसे कि हम लोग पफ वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा बालों को डैमेज करते हैं तब उसके बाद पफ वगैरह बनाते हैं, वैसे नॉर्मल बेस में जो लोग बनाते हैं तो उस टाइप में बना देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके बाल बहुत कम है वो थोड़े थोड़े बालों के पफ बनाते हैं। जैसे कि ब्राइडल को अगर हम लोग पफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ हेयर स्टाइल लुक देते हैं, तो ये हम लोग मशीन से और कुछ भी करके उसे हेयर स्प्रे वगैरह होता है ना जो कि डैमेज प्रोडक्ट के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, तो सीरम का यूज अलग वेस्ट में हो गया, बाकी सारे प्रोडक्ट का यूज अलग हो गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेहंदी अप्लाई करते हैं और स्पा वगैरह भी करते हैं, तो हम इसे यूज ना करें, ये आपका डेली यूज हो गया क्योंकि आप हेयर को ओपन करके रख चल रही हैं और उसके साथ अब बहुत सारे धूल वगैरह आपके बालों में बैठ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगी कि जो भी सीरम आप यूज कर रहे हो तो वो आप यूज कर सकते हो। वैसे तो ये एलोवेरा का है और ये वैसे एलोवेरा जो होता है इस समय बहुत लोग यूज कर रहे हैं और बालों में, तो ख़ास तौर से जैसे कि यूज करने के बाद हेयर ग्रो करता है तो उस टाइप में है, और ये आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। मैं आपको इसे यूज के बेस में बता देना चाहती हूँ कि इसे कितना आपको लेना है, बहुत थोड़ा सा, दो बूंद आप अपने हाथों पे इस तरीके से ले सकते हैं। बहुत ये पानी की तरह बिल्कुल है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन आप अगर अपने देख रहे हैं ना थोड़ा सा इस टाइप में है, और इसे अपने बालों में लगा लेना है। इसे आप जड़ में लगाएं चाहे जैसे लगाएं, लेकिन हल्का हल्का करके ही लगाना है, बिल्कुल अपने हाथों पे इस तरह से करके लगा सकते हैं, और बहुत थोड़ा सा इसका यूज होगा इसके हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये दिया है इन्होंने इतना, तो अगर आप एक बार लेंगे तो काफ़ी टाइम तक लगाएंगे,
अगर आपके लंबे बाल हैं तो और भी अच्छा है कि आपको बिल्कुल फंसने का कोई चांस नहीं है। हेयर सीरम बहुत अच्छा काम करता है, हमारे बालों को एकदम सिल्की और अलग सा रखता है, एक कंडीशनिंग की तरह काम करता है। जैसे कंडीशनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम सीरम ना यूज करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये सीरम का काम बिल्कुल अलग है। और जिस तरीके से हम ये लगा रहे हैं हमारे बालों में, तो भाई इतना सा हो गया। अगर आपके बाल और भी ड्राइनेस है, और भी ज़्यादा डैमेज है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के आप यूज कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बालों में जो है कि थोड़ा सा सिल्की है, उतना डैमेज है नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वैसे नीचे के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ही लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप ना लगा रहे हैं कोई बात नहीं है, बट ये नीचे के लिए बहुत सही है, क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं लॉन्ग वगैरह, तो फंसने का चांस सबसे ज़्यादा नीचे ही के पार्ट से रहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इस तरह से काम करेंगे, आपको दिख रहा है ना, बहुत ये अच्छे से ये हो जा रहे हैं, और इसमें आपको बिल्कुल 1% नहीं दिखेगा कि हाँ आपके बाल झड़ रहे हैं। आप नहाने के जस्ट बाद भी यूज कर सकते हो, कभी भी इसे यूज कर सकते हो, बट ये है कि आपके बालों में ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए। ऑयल के पहले से यूज करना है, या फिर आप कहीं डेली नहीं यूज कर रहे हैं तो ये लगता हो कि हमारा काम नहीं करेगा। सो सही है, क्योंकि आप डेली से यूज करें, और अगर आप डेली हेयर नहीं वॉश करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हेयर वॉश करो, जब बालों को ओपन करो, तब ये ज़रूर लगाओ, क्योंकि इससे आपके बाल बिल्कुल टूटेंगे नहीं और हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होगा, और जो डैमेज प्रोडक्ट की समस्या होती है बीच बीच से, वो बिल्कुल नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। एंड आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये देख लेना कि आप उसमें क्या आप यूज करना पसंद करते हो। जैसे इसमें एलोवेरा का है और डैमेज प्रोडक्ट के लिए है, तो वर्क बहुत अच्छा है। वैसे तो आप जब ले लोगे तब खुद आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन से ब्रांड्स के हमें यूज करना चाहिए। हर एक जगह हर एक ब्रांड से नहीं मिलते, कहीं कहीं जो होता है कि वो मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, तो आप ऑनलाइन वगैरह भी मंगा सकते हो। बस इसी तरीके से वर्क करेगा, और इसकी चलने की जो है इसका, जैसे कि ये कितने टाइम तक हमारे बालों में लगा रहेगा, तो जब तक आप हेयर वॉश नहीं करोगे तब तक ये आपके बालों में ही लगा रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप चाहे जैसे बालों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बाल इधर उधर करोगे तो आपके बाल एकदम अलग से लगेंगे। वैसे तो इस समय हम अपने बालों में कोई कटिंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया इस समय, और जैसे हेयर स्टाइल वगैरह कटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। सो गाइज, ओके, बाय बाय।